हाय मैं हूं तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं INN24। हेलो मैं हूं विकी कौशल एंड प्लीज कीप वाचिंग INN24। नमस्कार, स्वागत है आपका INN24 पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरिफ खान यानी के लुक लाइक अनिल कपूर। तो क्या हुआ, सॉरी क्यों भाई, आगे कंटिन्यू करें? हाँ, वो का एडिट कर... एक सेकंड है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरिफ खान यानी के लुक लाइक अनिल कपूर जूनियर अनिल कपूर और मेरे साथ है बहुत ही फेमस एक्ट्रेस हुमा खान जी यानी के मैंने प्यार किया कि गुलाबो दूध वाली। तो मैं चाहूँगा कि हुमा जी कुछ कहिए। सबसे पहले मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा आदाब और आप लोग कैसे हैं। हमने आपका दिल हमारे पास है और आपका गुर्दा हमारे पास। 24 यानी कि 24 आपको मालूम है ना मेरा बर्थडे है और आपका भी बर्थडे है अनिल कपूर 24 दिसंबर। और आगे भी चलते हैं जावेद साहब के पास। और दोस्तों मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज हम आए हैं नागपुर में और यहाँ श्री राम गुड्स गैरेज के प्रोपराइटर मालिक शरीफ सेठ के यहाँ फैमिली में शादी में आए हम रिसेप्शन में। और यहाँ आने का मकसद है और यहाँ बुलाने का मकसद है मेरे बड़े भाई जावेद खान। इनका अकोला में श्री राम गुड्स गैरेज के नाम से बहुत ही मशहूर गैरेज है और ये कनेक्टेड है शरीफ सेठ से यानी शरीफ भाई से। और ये शरीफ भाई इनको छोटे भाई की तरह मानते हैं और मैं भी इनका छोटा भाई हूँ और मैं चाहूँगा कि दो शब्द जावेद भाई कहे। अपने जो फिल्म बनाए थे उसको तो हेलो हाय करो जरा। बताइए जावेद जी, जो फिल्म आप लोगों ने बनाए थे वो कहाँ तक अभी पहुँची और कितना समय मुकम्मल होने में? अभी जस्ट हम शुरू करने वाले हैं, आरिफ भाई से जस्ट अभी बात हुई और यही महीने में हम हमारी फिल्म उमा खान जी को लेकर शुरू करेंगे। वेरी गुड। उमा जी क्या कहना चाहेंगे आप इसके? किस पे यानी कि जो पिक्चर ले रही है तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि जावेद साहब मुझे फिल्म में लेंगे और मुझे शरीफ साहब और जावेद खान साहब, मुझे तो अभी पता चला है कि इनका गैरेज था, नहीं तो मैं तो सुबह इनका सर खा जाती क्योंकि मेरी गाड़ी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ, एक्साइट हूँ कि जावेद साहब मुझे लेंगे, हुमा खान, जावेद खान और अनिल साहब यानी कि हमारे झका साहब। चलिए एक बार झका दोस्तों, तुम्हारी पसंद को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, सर से पांव तक मस्कश मस्का है, बोलो तो एकदम झकास। और दोस्तों आज हम हैं लांबा लॉन में नागपुर में, यहाँ शरीफ सेठ के फैमिली में शादी है और ये हम भी उनके फैमिली का एक हिस्सा बनकर के आए हैं। शरीफ भाई मेरे बड़े भाई है, जैसे जावेद भाई मेरे बड़े भाई है, शरीफ भाई भी मेरे बड़े भाई है और हुमा जी भी हमारे फैमिली मेम्बर है, शीज़ माई सिस्टर। और मैं चाहूँगा कि आज हम यहाँ कुछ धमाल करें, आपका दिल लुभाए, आपको हंसाए, आपको गुदगुदाए, बस यही पर्पज़ लेकर के हम यहाँ आए हैं। तो आप तैयार रहिए और हम भी आ रहे हैं, मस्का है मस्का, बोले तो एकदम चस्का झकास। थैंक यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? मैं हुमा खान, आप लोग ने मेरी काफ़ी फिल्में देखी होंगी जिसमें से शराबी अमिताभ बच्चन साहब के साथ, गुलामी जिसमें गाना था मेरा जिहाल मस्की मकुन व रंजिश बहार हिजरा बेचारा दिल है, वो थोड़ा सा गुनगुनाना चाहूँगी क्योंकि वो सबके दिल को बहुत पसंद आता था और छू लेता था। जिहाल मस्की मकुन व रंजिश बहार हिजरा बेचारा दिल है, हो जिहाल मस्की मकुन व रंजिश बहार हिजरा बेचारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या
हमारा दिल है, क्या बात है इस गाने की। और माशाल्लाह वैसे मैंने 325 फिल्में की हैं, जिसमें से शराबी हो गई, हम हैं लाजवाब, मनोज साहब की कलयुग की रामायण, विनोद खन्ना साहब, धर्मिंदर साहब हुकूमत, फरिश्ते और आखिरी अदालत, चमेली की शादी, अनिल साहब कपूर, जैकी श्रॉफ, पैसा ही पैसा, अंदर बाहर अनिल कपूर साहब, और गुलशन ग्रोवर की बहन बनी थी मैं, अंदर बाहर, और अंदर बाहर में प्यारी बहना। और मैं ये बहुत ही अभी 3-4 दिन पहले ही मुझे पता चला है, जो मेरे बहुत ही हर दिल अजीज़ एक्टर मिस्टर कादर साहब तो थे, विनोद जी भी थे, सब सब क्या हो गया हमारे इंडस्ट्री को, अल्लाह बस सब पे रहम करे, सबकी तबीयत को अल्लाह अच्छा रखे, सबको सलामत रखे। और कादर साहब का सुना तो अजीब सा लगा, और जब मिथुन साहब का सुना तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि वो मेरे एक तरह से मेरे गॉड फादर भी हैं और मेरे काफ़ी करीब हैं। और इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द मिलते हैं। बहुत बहुत अपनी दुआ में याद रखिएगा, मैं इस वक्त नागपुर में हूँ और आप लोग हमें देख रहे हैं। थैंक यू सो मच, आई लव यू।